22वाँ अध्याय चीर हरण से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हेमंत ऋतु आई उससे पहले के महीने में, पहले ही महीने में यथार्थ मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रत की कुमारिया कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यानी खाती थी, राजन वे कुमारी कन्या पूर्व दिशा का तिथि लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तत्पर ही देवी की या बालुकामय मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांति भांति के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री पल्लव फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंद श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारिया देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर नौछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ एक महीने तक भद्रकाली की पूजा भांति बलिभांति पूजा की कि नंदनंद श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई जो यमुना जल में स्नान करने के लिए आती जाती। एक दिन जब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर उस अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। उसके उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फूर्ति से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल उठा उठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैं कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब उसके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खींच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उसका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अरे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनिति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही है, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भलीभांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथ से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उसके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उससे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपमान हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर
सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में टूटी आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, उन्हीं क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों को मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उन्हें वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रूठी नहीं हुई, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं को और लजली चित्तवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर जल उखल उखल तक में बंद जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरे परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोग की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए चीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रहते रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की ये आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गौवे चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख तृप्त कृष्ण अंशु श्रीदामा सुबल अर्जुन विशाल वृषभ तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान है। इसका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उससे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सच में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाए जिससे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपड़ों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियाँ पृथ्वी पर झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और उसके बाद स्वयं भी
जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे ऊपर में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गऊ चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर ये बात कही।